दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थायराइड की बीमारी होती हाशिमोटो थायराइडाइटिस, क्या होती है, क्यों होती है और उसका इलाज कैसे करते हैं। तो पहले थायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि गर्दन के अंदर, अगर आप फोटो दिखाऊं आपको, ये गर्दन के अंदर ये बटरफ्लाई शेप की जो ये स्वेलिंग दिख रही है ग्लैंड है, इसे बोलते थायराइड ग्लैंड। तो ये है थायराइड, गर्दन नीचे साइड में बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है नीचे। इस ग्लैंड का काम होता है T3 और T4 नाम का थायराइड हार्मोन बनाना। ये T3 T4 जो हार्मोन होते हैं, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अंडर कंट्रोल होता है। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि थायराइड के अंदर लिम्फोसाइट नाम का वाइट ब्लड सेल, हमारे बॉडी में कई इम्यून सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसे लड़ने के लिए बनते हैं, पर दुर्भाग्यवश क्या होता है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में ये इम्यून सेल नॉर्मली जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस किल करने के लिए बने होते हैं, वो बाय मिस्टेक थायराइड को फॉरेन एलिमेंट यानी बैक्टीरिया या एनिमी समझ करके इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स ये एंटर कर जाते हैं और इसको ग्रेजुअली डैमेज करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से ये जब थायराइड के अंदर वाइट ब्लड सेल एंटर कर जाएंगे तो इसके साइज बढ़ जाता है, ये थोड़ा फर्म हो जाता है और एनलार्ज कर जाता है, इसे बोलते हैं ग्वाइटर का रूप लेता है। प्लस एक एंटीबॉडी बनती है, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी यानी एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी प्लस एंटी थायरोग्लोबुल एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी होते हैं जो बॉडी बनाती है जो थायराइड को डैमेज पहुंचाते हैं। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता क्यों है, क्योंकि बॉडी के हमारे इम्यून सेल्स जो होती हैं बाई कन्फ्यूजन इस थायराइड ग्लैंड जो अपना ओन होता है उसको बैक्टीरिया वायरस समझ करके ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी ड्यू टू सम कन्फ्यूजन ऑफ इम्यून सेल्स इसको लिम्फोसाइट एंटर करके डैमेज करने लगते हैं, प्लस एंटी टीपी और एंटी थायराग्लोबुलर एंटीबॉडी वो एंटर करके इसको डैमेज करते हैं। तो ये लिम्फोसाइट प्लस एंटीबॉडीज को डैमेज करते हैं, बॉडीज को रिपेयरिंग करती है। स्टार्टिंग कंडीशन में थायराइड साइज बढ़ जाता है बट T3 T4 प्रोडक्शन नॉर्मल रहता है जिसके वजह TSH भी नॉर्मल होता है। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर डैमेज बाई एंटीबॉडी प्लस लिम्फोसाइट प्लस रिपेयरिंग बाई बॉडी, डिपेंड करता है कि रिपेयरिंग ज़्यादा है डैमेज ज़्यादा है। अगर रिपेयरिंग ठीक ठाक रहेगी तो T3 T4 प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगा, TSH नॉर्मल रहेगा, थायराइड फंक्शन नॉर्मल रहेगा, मरीज को कोई सिम्टम नहीं होगा, केवल गले में ग्वाइटर बढ़ा होगा और कभी गले में दर्द हो सकता है। पर अधिकांश लोग के अंदर समय के साथ साथ थायराइड का डैमेज बाय एंटीबॉडी प्लस लिम्फोसाइट बढ़ता जाता है और उसको हार्मोन बनाने की कैपेसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से कुछ महीनों या साल के बाद T3 T4 ब्लड में लो हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो जब भी T3 T4 प्रोडक्शन डाउन हो जाता है और TSH बढ़ने लगता है तो मरीज को सिम्टम आने लगते हैं। सिम्टम क्या आते हैं, बाल गिरना, वेट बढ़ना, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, थकान, बॉडी पेन, कॉन्स्टिपेशन, भूख कम लगना, स्वेलिंग होना, पसीना कम आना, घबराहट होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना। जब भी T3 T4 काफ़ी डाउन हो जाता है, TSH बढ़ जाता है तो मरीज को डिप्रेशन एंग्जाइटी सिम्टम आने लगते हैं। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, अगर कोई बॉय है तो बॉय के अंदर उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, पढ़ाई की ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाती है। बट आप सब जान लो हाइपोथायराइड का बड़ा खास बात होती है, जो भी सिम्टम, कितना सिम्टम हो, कितना सीरियस सिम्टम हो,
जहाँ एक बार रोग पकड़ में आ जाता है, आपने इसको दवा स्टार्ट कर देते हैं, विद इन 3 to 6 months सारा सिम्टम नॉर्मल आ जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जब भी हाशिमोटो थायराइडाइटिस से होता है, एक बार दवा स्टार्ट कर दीजिए, कुछ महीने ठीक हो जाता है। अब कैसे डायग्नोज करें कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस है? तो जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, आपका एंटी टीपीओ एंटीबॉडी यानी एंटी थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी प्लस एंटी थायराग्लोबुलर एंटीबॉडी दोनों हाई रहेंगे। अगर प्लस अगर T3 T4 TSH कराएं तो अगर शुरुआत तो T3 T4 TSH नॉर्मल रह सकते हैं या बाद में T3 T4 डाउन रह सकते हैं प्लस TSH हाई रह सकता है। कभी कभी टेस्टिस का हम लोग बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी निकलता है कि थायराइड के अंदर मल्टीपल लिम्फोसाइट एंटर किए हुए हैं जो कि फाइबर भी वहाँ डिपॉजिट हो जाता है जिससे थायराइड फॉर्म हो जाता है। तो एक बार हाशिमोटो थायराइड डायग्नोज हो गया, अब इसके लिए हम थायराइड गोली देते हैं, हम लोग एक थायराइड नॉर्म एल्ट्रोक्सिन थायरॉक्स गोली देते हैं जो कि खाली पेट गोली खाना पड़ता है। इसके बाद गोली खाली पेट खाते हो, हम स्टार्टिंग पहले कम डोज से करते हैं, फिर हर 6 वीक में अंदर TSH चेक कराते हैं और रिपोर्ट देकर डोज एडजस्ट करते हैं। 6 महीने से 1 साल के अंदर थायराइड का साइज घटने लगता है, मरीज के जितने सिम्टम थे घबराहट धड़कन पसीना वेट गेन ड्राई स्किन हेयर फॉल सब इम्प्रूव करके विद इन 6 मंथ सारे सिम्टम नॉर्मल आ जाते हैं। ये ग्वाटर जो बढ़ जाता है करीब 1 से 1.5 साल के अंदर ग्वाटर भी लगभग मोर देन 90% ख़त्म हो जाता है, मरीज की एनर्जी वापस आ जाती है, मेमोरी वापस आ जाती है और बच्चा तो हाई ग्रोथ ठीक होने लगती है। तो आप सब जान लो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में ग्वाइटर होता है, गले में सूजन होती है प्लस थायराइड हार्मोन की कमी होती है, पर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जो भी सिम्टम्स हैं ग्वाइटर है इलाज के बाद 6 महीने साल में ठीक हो जाएगा, ये कोई कैंसर नहीं है, ना कभी कैंसर खतरा होता है। इसलिए अगर आपको ग्वाइटर है हाशिमोटो थायराइडाइटिस है एकदम निश्चिंत रहें, दवा खाएं, अपना TSH रिपोर्ट नॉर्मल रखें, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। बट हाँ, अगर हाशिमोटो थायराइडाइटिस है तो आपको दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, उसका डोज कम ज़्यादा होता है पर दवा लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आई होगी कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बस अपना थायराइड टेस्ट टाइम टाइम कराते रहें और रिपोर्ट देखकर हम डोज एडजस्ट करें और रिपोर्ट नॉर्मल रखें और पूरी तरह लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रहें। और आपने वीडियो मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट फ्यूचर आपको नए वीडियो मिलते रहें, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर भी करें सो दैट औरों की नॉलेज मिल सके। थैंक्स।